नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। कुंभ में आपको हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की कहानियां दिखा रहे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों की स्टोरी बता रहे हैं। अब ये जो आप चिल्लर देख रहे हैं, जो सिक्के हैं, वो आज के सिक्के नहीं हैं। इसमें अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज़ाद भारत 1970, 60, 55 इन सब के जमाने के पैसे हैं। एक आना है, दो आना है, एक पैसे हैं, दो पैसे हैं, तीन पैसे हैं, ये बहुत सारे पैसे हैं। ये सब पैसे अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनके पास कहाँ से आया, तो ये गंगा नदी से निकालते हैं, क्योंकि पहले भी जब लोग आते थे तो जिनके पास जितने पैसे होते थे उसी हिसाब से लोग गंगा में फेंकते थे। आज भी नदियों में लोग पैसे फेंकते हैं, भारत में ऐसी प्रथा है। तो हम पूछते हैं ये भाई कहाँ कहाँ से ये सारा लाए और ये पैसा वो कैसे बेच रहे हैं, तो मतलब पैसे से ये पैसा बना रहे हैं। नाम आपका क्या है? मेरा नाम करणदास आचार्य, हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार से आप हैं। हरिद्वार, ये जो पैसे हैं आप कहाँ से लाते हैं? ये गोताखोर निकालते हैं गंगा जी में, नदी से गोताखोर गहराई में जाके निकालते हैं। यहाँ प्रयागराज से भी गोताखोर जो नाविक समाज के लोग होते हैं वो गंगा जी से निकालते हैं, और बहुत से भिखारियों के पास और बर्तन वालों के पास ये पुराने सिक्के मिलते हैं। अच्छा, तो कैसे कैसे बेच रहे हैं जरा कुछ आप अपने हाथों में लेकर सिक्के दिखाइए और उनके दाम बताइए और उनके बारे में बताइए आप। ये एक पैसे का सिक्का है मीमना, जो 5 रुपए का है, और ये कुषाण काल का सिक्का, कुषाण, ये 50 रुपए का मीमना है, और ये एडवर्ड सेवन जो ब्रिटिश हुकूमत का 1 रुपए का सिक्का है, ये 50 रुपीज का, 50 रुपए का एक। मतलब अंग्रेजों के जमाने से लेकर कुषाण काल तक। और ये मोटे सिक्के क्या हैं जरा दिखाइए? ये मुगल टाइम के सिक्के, दमड़ी बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं इसको, दमड़ी की चमड़ी जाए को दमड़ी ना जाए, ये दमड़ी है। इसमें कई प्रकार के सिक्के चले थे, ये आप देख सकते हैं, कुषाण वंश का सिक्का है जो बहुत ही आ नहीं रहा ऊपर आ जाएगा, ये कुषाण वंश का सिक्का है जो बहुत ही दुर्लभ सिक्के हैं, जो म्यूजियम में देखने को आपको मिलेंगे, और ये गोताखोरों से प्राप्त किए गए सिक्के हैं। और ये मुगल टाइम का पुराना सिक्का, अच्छा देख रहे हैं आप, देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये शाह आलम का है, अच्छा, जो शाह आलम ने चलाया था। कितने का बेच रहे हैं? ये 50 रुपए का हम यहाँ पे बेच रहे हैं। और कैसे कैसे इधर देखिए, तांबे के बहुत। और ये विक्टोरिया का है जो 1 पैसे का सिक्का चला था 1814 ईस्वी, आप देख सकते हैं, जो कब विक्टोरिया रानी ने चलाए थे। और ये बड़े बड़े सिक्के हैं जिसमें पीतल के हैं, तांबे के हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का टोकन कॉइन होता था, अच्छा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाया था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का है जो टोकन कॉइन होते उस जमाने में लोग चढ़ाते थे। उनके राजा महाराजा की तस्वीरें थी, तो उन्होंने भगवान की तस्वीरें बना दी जिससे लोग इधर उधर ना फेंकें, इसलिए। जरा दिखाइए, हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई सिक्के पर, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो जरा हमको समझाइए। ये राम दरबार का टोकन कॉइन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉन्च किया था 1818 में, ये लॉन्च हुआ था। ये टोकन कॉइन बोलते थे, एक तरफ हनुमान जी की फोटो होती थी, एक तरफ राम लक्ष्मण जानकी की होती थी। इसमें टोकन कॉइन है, देखिए इन्होंने कहा 1858 में वो सिक्का है, एक तरफ राम जी हैं तो दूसरी तरफ हनुमान है, मतलब राम भक्त हनुमान भी हैं। और ये सिक्का तांबे का है, तो मतलब आप पहले से भी देख सकते हैं भाई साहब कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो राम मंदिर को लेकर सवाल उठाते हैं। तो देखिए आप 1818 के टाइम पे हनुमान के नाम के सिक्के चलते थे, ये अलग बात है, पता नहीं उतने सिक्के चल पाते या नहीं, आप बताइए और जानकारी दीजिए हमको। और ये एक आने का सिक्का है जो 4 पैसे वैल्यू होती थी, 64 पैसे का रुपया, 16 आने का रुपया होता था, ये 16 होते थे जब 1 रुपये होता था उस जमाने में, और ये 2 आने का सिक्का। मतलब उस टाइम एक आने में बहुत कुछ आता होगा, उस जमाने में एक आने में बहुत सारा सामान आ जाता था। आज उस एक आने में 100 रुपये की वैलिडिटी, उतना सामान 100 रुपये में भी नहीं आ पाता है जमाने में जितना एक आने में आ जाता था। तो मतलब आपके पास सभी तरह के सिक्के हैं, और जो लोग इस बात का शौक़ रखते हैं कि भाई पुरानी चीज़ों को वो देखें या पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखें, तो यहाँ आकर देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया यहाँ कि कुषाण युग के भी हैं, अंग्रेजों के समय के भी हैं, मुग़लों के समय के भी हैं, और भारत के आज़ादी के बाद के भी सिक्के हैं। 25 पैसे होंगे इसमें, 1 पैसे भी हैं, ये 20 पैसे और 10 पैसे के ये जो सिक्के हैं, ये आज़ादी के, ये 1 पैसा, देखिए 3 पैसे एल्युमिनियम वगैरह के होते थे ये सिक्के तब, और ये 25 पैसा। हाँ, 25 पैसे तो हमारे उम्र के बहुत से लोग देखे होंगे, एक घोड़े वाले मार्का का, आप देखिए ध्यान से इधर,
घोड़े के मार्के वाला सिक्का, इस तमाम तरह के सिक्के हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं प्रयागराज, अगर आप आइएगा तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपने देखा भाई, पुराने ज़माने के सिक्के भी आप लोगों को देखने को मिल गए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रयागराज में देखने को मिल रही है।